महंगे पेपर के बिना वाटर कलर करना पॉसिबल ही नहीं है, ये लाइन बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझना चाहिए कि पेपर अच्छा जरूर होना चाहिए, लेकिन अच्छा पेपर हमेशा जरूरी नहीं है कि महंगा ही पेपर हो। दूसरा पॉइंट, वाटर कलर में डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की पेंटिंग कर रहे हैं और पेपर उस टाइप की पेंटिंग को मैच करता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत सारे वॉशेस देने वाले हैं पेंटिंग में, तब आपका पेपर डेफिनेटली मोटा होना चाहिए। लेकिन अगर आप वॉश नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल क्विक स्केचेस बना रहे हैं या फिर नॉर्मल डेली लाइफ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप अपने साधारण पेपर, नॉर्मल पेपर जो आपको आसपास मिलते हैं, आपके पास होंगे ऑर्डिनरी पेपर, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान। उसको बेकार ना समझें, वाटर कलर को बुरा लगेगा ऐसी बात सुन के। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सारे पेपर इस्तेमाल हो सकते हैं, किस लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, आपका रीजन क्या है, वो आपको क्लियर होना चाहिए।